हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आदि कैलाश की जो यात्रा रुक गई थी वह फिर से शुरू होने जा रही है। इसी अक्टूबर में के आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा को करने के लिए कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, जिनका प्रोग्राम 11 और 12 अक्टूबर को तय किया गया है। तो अगर आप भी आदि कैलाश यात्रा के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बताते हैं आप किस तरह से आदि कैलाश की यात्रा पे जा सकते हैं। आदि कैलाश यात्रा बहुत ही कठिन है, इसे करने के लिए काफ़ी भक्त जाते हैं, लेकिन आपको ग्रुप में ही जाना होता है। सोलो में बहुत ही कम लोग यहाँ तक जा पाते हैं। अब इसकी हेलीपैड सुविधा भी शुरू की जा रही है, जल्द से जल्द हो सकता है ये शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ से आपको ये सभी सुविधाएँ मिलती हैं और आपको यहाँ जाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। परमिट होने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। यह यात्रा 4 मई में शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश होने के कारण इसे रोक दिया गया था। अब ये फिर से शुरू हो गई है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे जाना होगा। इस यात्रा को कुमाऊं मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके KMVN ग्रुप द्वारा ही आप इसे कर पाओगे। जो यहाँ का मुख्य आकर्षण पर्वत है, आदि कैलाश का ओम पर्वत कहा जाता है, यहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ती है। आप ठंड के समय में जा रहे हैं तो आपको इतनी बर्फबारी मिलेगी शायद आपने कभी देखी भी नहीं होगी। इस यात्रा को करने के लिए आपको एक दिन पहले ही पंजीकरण करवाना होता है, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। आप चाहे तो प्राइवेट ग्रुप द्वारा भी इसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सरकारी जो होता है KMVN, यही बेस्ट होता है। इसे आप कुमाऊं की वेबसाइट से ही बुक कर सकते हैं, जिसका लगभग प्राइस 45,000 के होता है। यह आपकी यात्रा काठगोदाम से शुरू हो जाती है, जो कि भीमताल, कैची धाम, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला से गुजरते हुए आदि कैलाश तक जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट आपका ओम पर्वत होता है, यही दर्शन करके आपको फिर से वापस आना होता है। धारचूला और चकोड़ी होते हुए काठगोदाम आपको लाया जाता है। इसमें आपको लगभग 8 दिन का समय लगता है, जिसमें आप काफी सुंदर नजारे देखते हैं और बीच में काफी गांव पड़ते हैं, मंदिर पड़ते हैं, सभी के दर्शन आपको कराए जाते हैं। आपको खाना पीना ग्रुप द्वारा ही दिया जाता है, ग्रुप में ही सब कुछ आपको फैसिलिटी दी जाती है। और आप अकेले जाने चाहते हैं तो आपको खुद ही सब कुछ करना होगा, जैसे कि परमिट बनवाना। वो टैक्सी द्वारा आप जा सकते हैं, बाइक लेके आए हैं तो बाइक से जा सकते हैं, बाइक का परमिट होगा, आपका परमिट होगा, तब जाके आप इस यात्रा को कर पाओगे। अगर अभी तक आप आदि कैलाश यात्रा पे नहीं गए हैं तो अब आप जा सकते हैं, वे रास्ते खुल गए हैं। तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में साथियों जरूर बताइए। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, 2DK36 मेरी ID है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।